खगोल विज्ञान के अनुसार चंद्रग्रहण तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। इस घटना में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ सकती है, जिसके कारण चंद्रमा की दृश्यता कम हो जाती है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि घटना पूर्णिमा की रात को होती है। चंद्रग्रहण की इस स्थिति को ज्योतिष में भी बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रग्रहण शुरू होने से पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा छा जाती है। चंद्रग्रहण तीन प्रकार के होते हैं, नीचे इन तीनों के बारे में बताया गया है। यह तीन प्रकार के होते हैं, पूर्ण, आंशिक और उपछाया। पूर्ण चंद्रग्रहण तब होता है जब पृथ्वी पूरी तरह से सूर्य को ढक लेती है और चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है और आंशिक रूप से पृथ्वी चंद्रमा को ढक लेती है, तो इस घटना को आंशिक सूर्यग्रहण कहा जाता है। और उपछाया चंद्रग्रहण में पृथ्वी की छाया वाले क्षेत्र में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा पर पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश कटा हुआ प्रतीत होता है। पहला चंद्रग्रहण, चंद्रग्रहण 2020 का पहला उपछाया पेनुब्रल चंद्रग्रहण 10 जनवरी और 11 जनवरी को पड़ेगा। यह चंद्रग्रहण 10:37 से लेकर 2:42 तक दिखाई देगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह चंद्रग्रहण मिथुन राशि में पूर्णिमा तिथि को शुक्ल पक्ष और पुनर्वश नक्षत्र के दौरान घटित होगा, इसलिए मिथुन राशि के जातकों पर इस ग्रहण के कारण कुछ परिवर्तन अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा चंद्रग्रहण, चंद्रग्रहण 2020 का दूसरा उपछाया चंद्रग्रहण से लेकर 6 जून शुक्रवार और शनिवार को घटित होगा। यह ग्रहण 23:16 से लेकर 2:34 तक दिखाई देगा। हिंदू पंचांग के अनुसार दूसरा चंद्रग्रहण वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र के दौरान शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होगा। इस ग्रहण की वजह से वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में कुछ बदलाव आ सकते हैं। तीसरा चंद्रग्रहण, चंद्रग्रहण 2020 का तीसरा चंद्रग्रहण 5 जुलाई रविवार को होगा। यह ग्रहण 8:38 से लेकर 11:21 तक दृश्य होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ये ग्रहण हिंदू राशि के पूर्वा षाढ़ा नक्षत्र के दौरान शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होगा, इसलिए धनु राशि के जातकों के जीवन में इस अवधि में कुछ बदलाव आ सकते हैं। चौथा महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा छा जाती है। चंद्र ग्रहण तीन प्रकार के होते हैं, नीचे इन तीनों के बारे में बताया गया है। यह तीन प्रकार के होते हैं, पूर्ण, आंशिक और उपछाया। पूर्ण चंद्रग्रहण तब होता है जब पृथ्वी पूरी तरह से सूर्य को ढक लेती है और चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है और आंशिक रूप से पृथ्वी चंद्रमा को है, तो इस घटना को आंशिक सूर्यग्रहण कहा जाता है। और उपछाया चंद्रग्रहण में पृथ्वी की छाया वाले क्षेत्र में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा पर पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश कटा हुआ प्रतीत होता है। पहला चंद्रग्रहण, चंद्रग्रहण 2020 का पहला उपछाया पेनुब्रल चंद्रग्रहण 10 जनवरी और 11 जनवरी को पड़ेगा। यह चंद्रग्रहण 10:37 से लेकर 2:42 तक दिखाई देगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह चंद्रग्रहण मिथुन राशि में पूर्णिमा तिथि को शुक्ल पक्ष और पुनर्वश नक्षत्र के दौरान घटित होगा, इसलिए मिथुन राशि के जातकों पर इस ग्रहण के कारण कुछ परिवर्तन अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा चंद्रग्रहण, चंद्रग्रहण 2020 का दूसरा उपछाया चंद्रग्रहण 5 से लेकर 6 जून शुक्रवार और शनिवार को घटित होगा। यह ग्रहण 23:16 से लेकर 2:34 तक दिखाई देगा। हिंदू पंचांग के अनुसार दूसरा चंद्रग्रहण वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र के दौरान शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होगा। इस ग्रहण की वजह से वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में बदलाव आ सकते हैं। तीसरा चंद्रग्रहण, चंद्रग्रहण 2020 का तीसरा चंद्रग्रहण 5 जुलाई रविवार को होगा। यह ग्रहण 8:38 से लेकर 11:21 तक दृश्य होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ये ग्रहण हिंदू राशि के पूर्वा षाढ़ा नक्षत्र के दौरान शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होगा, इसलिए धनु राशि के जातकों के जीवन में इस अवधि में कुछ बदलाव आ सकते हैं। चौथा चंद्रग्रहण, चंद्रग्रहण 2020 का चौथा और अंतिम चंद्रग्रहण
30 नवंबर 2020 को सोमवार को होगा। यह चंद्र ग्रहण 13:04 से लेकर 17:22 तक दिखाई देगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह चंद्र ग्रहण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि में होगा, इसलिए वृषभ राशि के जातकों को इस समय कुछ परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। पत्रिका शुद्ध प्लस पान मसाला पेश करते हैं आज की बड़ी खबरें।